वन महोत्सव के तहत भाजपा के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने गुरुवार को तारामंडल स्थित योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह परिसर में पौधरोपण किया, जिसके संबंध में राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने बताया कि हमारे जीवन में वृक्ष का होना बहुत जरूरी है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा एक सप्ताह वन महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में वृक्षरोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वृक्षों का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने जीवन काल में एक पौधा जरूर लगाएं। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद के पीआरओ अरविंद निषाद, राधे श्याम यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा, आपको जो है ठीक से पानी डालने नहीं देते हैं, जैसा देखिए, पर्यावरण को हमेशा संतुलित रखने के लिए वृक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने देखा होगा, आज पूरे विश्व में COVID-19 के दौरान ऑक्सीजन की कितनी बड़ी महत्ता थी। आज इस देश की यशस्वी, इस देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने भारी पैमाने पर पूरे देश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम एक वन महोत्सव के माध्यम से एक सप्ताह लगातार वृक्षारोपण का काम शुरू है। सभी जनप्रतिनिधि जन जन तक इस बात को पहुंचाने का काम, गांव तक, शहर में या हर जगह वृक्षारोपण बड़ी तेज़ी से लगाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज हम इससे एक बहुत बड़ी उपलब्धि पा सकते हैं। इस कारणों से आने वाला समय हम प्रदूषित ना हों और ये देश हरा भरा रहे और देश के लोग सुरक्षित रहें, निरोग रहें, इसलिए वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है।